सादर सासी ससुरे पति बात है। किसी देवी और देवता की आप लोग पूजा ना करें, और पूजा करें तो किसकी करें? सादर सासी ससुर पति ससुरे पति पूजा। वैसे हम परीक्षित जी कुछ गलत बोल गए, सास का नाम मैंने ले दिया तो ये बहुत गलत कर दिया। कछु माताएं तो ऐसी बैठी होंगी, बोले डुकरिया डुकरिया की सेवा हम करें, वो कुआं के जाए कल, हमारे पास से नहीं है। माताओं, पंडाल में जो सास बनी बैठी है बूढ़ी माताएं, वो भी ध्यान दें, ये भी सेवा करवाने के लायक नहीं है। याद रखना, अपनी बहुओं पर, हमने तो यहां तक देखा है कि बिटिया पर रोटी जग जाए तो नीचे दबाए के दर्द देती है, और बहू पर जग जाए तो पूरे मोहल्ला में दिखाती फिरती है, देखो कच्ची जानते हैं बिना पढ़ी लिखी आई गई। तो कहने का हमारा मतलब है, सास बनी जो बैठी है, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा माताओं, आप अपनी बहू को बहू की तरह से नहीं समझना, आप अपनी बहू को बेटी की तरह से समझना। जो बूढ़ी माताएं अपनी बहू को बेटी का दर्जा देती है, वो बहू अपनी सास को सास नहीं एक माँ का दर्जा देती है। अभी हम परिचित जी एक जगह कथा कह रहे थे, महाराज एक बूढ़ी माता जी आई, बोले लहुआ आपकी का बहू, बोले का बहू, एक लड़का तो एक सीता जैसी बहू मिल जाती, सीता जैसी किस्मत फूट गई हमारी तो, मतलब बोले हाँ सीता जैसी बहू मिल जाती, सीता जैसी, लेकिन सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। सीता जैसी बहू पाओगी तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। जिस घर में बेटा राम बनेगा और सास कौशल्या बनेगी, उस घर में कौन सी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। और कौशल्या की जगह तुम धरी मन धरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी नहीं मिलेगी। बूढ़ी माताएं जो सास बनी बैठी हैं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी बहू को बहू नहीं बेटी का दर्जा दें, और उसे ऐसे उसकी रक्षा करें कैसे, अरे बहू लड़की परिघरी आई राधो नयन पलक की घर में आती है तुम्हारे आंगन में, तो उसे ऐसे रखना कैसे, बहू लड़की पर घर आई राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन
रजनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। अपनी बहुओं को तुम्हें ऐसे रखना चाहिए जैसे नैनों के गीतों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तो हमारी बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है। अब आ जाइए हमारे भाइयों की ओर। ये कथाएं शिक्षाएं देती हैं। मैं अपने भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, हमारे माताओं की रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है। नारियंते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। हाँ, ये माताएं हमारी लक्ष्मी है, यानी माताओं से सृष्टि का सृजन हुआ है, यानी माताओं के उदर से परिचित जी एक नहीं बड़े बड़े पालक अवतरित हुए, भगवान अवतरित हुए। हमारी देवियां तो आपको परमेश्वर मानती हैं, हमारे पति भगवान हैं। मोहम्मदाबाद गए हैं, शाम को सब्जी लेके आएंगे तब उनकी शाम को आरती उतारूंगी, बेहू में से पौआ लगा चले आते हैं। सेवा होगी नहीं होगी सेवा। कहने का हमारा मतलब है, मैं अपने सभी भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूँ। कौन सा निवेदन तो जरा गौर करो। नितनेम करो पतिती व्रत का, यदि घर पे कुंठ बना करना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। माताओं की रक्षा करना, इन माता का एहसान हम आप कभी नहीं उड़ कर पाएंगे। इसलिए मेरे जगह
भगवान ने स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया। जरा गौर करें सभी लोग, सृष्टि जगत में एक पुरुष एक नारी, क्या अंतर है दोनों में? काऊ की सूरत से न फरत है, काऊ की चित्त में समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। स्त्री और पुरुष में भगवान ने परीक्षित जी कोई ज्यादा अंतर नहीं किया। अंत में तुलसीदास जी ये भी लिख बैठे कि जहां सुमेते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमिते तहां विपत्ति निधाना। परिचित जी, अंत में तुलसीदास जी ने चौपाई में लिख दिया कि जहां सुमित तहां संपत्ति नाना। गज धन गौधन बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल समान। चाचा जी, जिस घर में संतोष रूपी धन है उस घर में बड़ा आनंद है। माताओं, संतोष रूपी धन, तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां पर प्रेम है वहां पर बड़ा आनंद है। प्रेम, पति और पत्नी में प्रेम है, नंद और भौजाई में प्रेम है, सास और बहू में प्रेम है, पिता और पुत्र में प्रेम है, उस घर में बड़ा आनंद है ना? और सुमित तो रखनी चाहिए। कुछ घर में हमने देखे परिचित जी झगड़े ही होते रहते हैं, कहीं सास बहू में, कहीं नंद भौजाई में, कहीं लड़का पिता में। तो हम आप लोग समझदार हैं, झगड़े ना करें। दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। चाहे दुख में कटे चाहे सुख में बसर हो, लेकिन जिंदगी को काटना तो पड़ेगा ही, है ना? तो इसे क्यों ना प्रेम से काट ले। एक बात मैं आपको और बताता चलूं, सात दिन होते हैं सप्ताह में, सात, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। एक एक दिन परीक्षित जी शिक्षा देता है कि भाइयों प्रेम से रहो। इतवार किसे कहते हैं परीक्षित जी? एतवार कहते हैं विश्वास को। पहले गाना चला था एतवार नहीं करना।